नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डुमरा ब्लॉक में। इस वक्त लगमा पंचायत के वार्ड 17 से वार्ड मेंबर है जो मौजूद है यहां पर। उनके यहां क्या समस्या है नल जल का, उसको लेकर के अभी हम उनसे बात करते हैं। जो वर्तमान वार्ड मेंबर है उनसे पहले बात करते हैं, इसके बाद जो पूर्व है उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी, रंगीला कुमारी। थोड़ा जोर से हल्का। रंगीला कुमारी। अच्छा, अभी वार्ड मेंबर आप है? जी जी। क्या समस्या लेके आए हैं डुमरा ब्लॉक में? वो नल जल योजना के लिए आए हैं। क्या समस्या है? हम पापा बोल देंगे। अच्छा, तो इनके पापा है, उनसे हम बात करते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ कौशल किशोर शाही। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या है जो लगमा पंचायत के वार्ड नंबर 17 में जो नल जल बोरिंग हलाया गया है, सरकार द्वारा चिट्ठी नियमता अनुरक्षक वार्ड मेंबर को ही बनाया गया है ताकि यह नल जल वह समय से चलावे, उसका मरम्मत करे, बिजली बिल देवे, ऐसे वैसे करे। लेकिन वहाँ जो जमीन, जिसके जमीन में हला है, वह जमीन वाला जो है सो बदमाश है, वह चलाने नहीं देता है। कहता है नहीं, मेरे जमीन में मेरी मर्जी से चलेगा। इसके लेकर मैं BDO साहब के, BPRO साहब, सब लोगों का आवेदन दिया हूँ कि ऐसे ऐसे की बात है, उसे तो मैं झगड़ा नहीं कर सकता। तब क्या वो निजी जमीन है उनका? जो वो निजी जमीन है जी, तो उनके सहमति से हालात था या जोर जबरदस्ती से? वो तो पूर्ण वार्ड मेंबर समझेंगे ना, मुखिया समझेंगे। हम तो उस समय थे नहीं, हम तो आप लोगों को भी चलाने नहीं दे दिया? नहीं, चलाने हमें मरम्मत करा के हर काम कर दिया, चालू भी किया। जेई साहब जाके इंक्वायरी भी किए, है ना, फिर भी वह चलाने नहीं दे रहा है कि नहीं। आपके वार्ड में हर जगह नल लगा हुआ है? हर जगह नल लगा हुआ है, कुछ बाकी है जिसका हम लोग लिख कर दिए हुए हैं, छूटे फूटे को लगेगा, लेकिन जो लगा है जितना पानी चालू है चलने नहीं देता है। चलिए, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है पुराने वार्ड मेंबर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभू ठाकुर। आपके यहाँ जो समस्या है नल जल को लेकर, उस पर आप क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ तो जो नल जल का समस्या है, हम थे जब तक ठीक ठाक चलाए और चला। अभी का वार्ड नंबर है और जो भूमिदाता है उनमें और में क्या पेज फंसा हुआ है उसका हम अच्छी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम थे तब तक चलाए हम लोग को बढ़िया से चला। तो उनको क्यों नहीं चलाने दिया जा रहा है? अब तो उनसे जाएंगे, संपर्क करेंगे, उसके बाद पता चलेगा काहे नहीं चलाने देते हैं। क्या पर्सनल को दुश्मनी से नहीं चलाने दिया जा रहा है? वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि पर्सनल दुश्मनी है क्या है नहीं है, वो हम नहीं बताएंगे। तो जब आपके समय में ही नल जल का योजना शुरू हुआ, आप उसके जमीन में, पर्सनल जमीन में आप नल जल का जो भवन होता है बनाना, टंकी लगाना, ये सब किए हैं, तो क्या उसके मर्जी से किया या जबरदस्ती? उनके मर्जी से हुआ। तो क्या कोई पेपर बना था? पेपर बना हुआ है, पेपर है, वो मुखिया जी के पास जमा है, सब पेपर एक जगह रखा हुआ है। अच्छा, फिर भी नहीं चलाने दे रहा? नहीं चलाने दे रहा है, उनको नहीं चलाने दे रहा है। हम थे उस टाइम में चलता था, बराबर चल ही रहा था, अभी इधर आकर के 2-3 महीना से उसका पेज फंसा हुआ। आप कितने दिन उसको यूज किए? उसको यूज हम करीब 2-3 साल किए। 2-3 साल आप चलाए तो कोई समस्या नहीं हुआ? बस इनके वार्ड मेंबर बनते ही उनको प्रॉब्लम हो गया? इनके वार्ड मेंबर बनते ही नहीं, इनके बनने से कुछ दिन पहले से भी आया, तो आया सचिव के साथ हुआ था, सचिव के लेकर के आया था, उसके बाद फिर हो गया कि हम चला देंगे, चलता रहेगा, पानी के लिए हम नहीं रोकेंगे। मतलब वार्ड मेंबर का चुनाव होने से पहले भी आपको रोकने आया था? हमको नहीं रोके थे, उनके सचिव के साथ क्या था नहीं था, वो सचिव और वो उनके साथ था, हमारे साथ कुछ नहीं था उनका। हम तो कहे फिर चालू कर दिया पानी। चलिए, इन लोगों को नल जल को लेकर के अभी भी आपने पूरे वार्ड में नल नहीं लगाया हुआ है? पूरे वार्ड में लगा हुआ है, जहाँ नहीं जाने दिया, पाइप नहीं बिछने दिया, वहाँ नहीं। कौन नहीं बिछने दिया? गांव का समाज नहीं बिछने दिया। क्या बोला कि मेरे यहाँ से नहीं ले जाओ या नहीं जाएगा? इस रास्ते से नहीं जाएगा, उसके आपसी विवाद उवाद था, उसके कारण नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। वजह से खाली है? उसी वजह से खाली, जहाँ नहीं जाने दिया वहाँ खाली है। तो क्या आपके पास जो उस जगह जहाँ पर नल लगा हुआ है, उस जगह का पेपर जो मुखिया जी के पास है, वो पेपर लेकर के आप आए हैं BPRO के पास? अभी तो नहीं आए, अभी तो पेपर लेकर नहीं बुलाए थे। ऐसी क्या बोले हैं BPRO सर? बोले हैं कि हम सोमवार को आते हैं, वहाँ पे आप भी रहिएगा और सब आदमी रहेंगे, मिलकर उसका समस्या का हल होगा।
चलिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, उस गांव के वार्ड 17 का जो समस्या है उसको लेकर के डुमरा BPRO जाएंगे और वहां पर इंक्वायरी करेंगे क्या समस्या है, उस चीज से हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि यहां पर दो वार्ड मेंबर फंसे हुए हैं और जिनके जमीन में नल जल योजना का टंकी लगा हुआ है ओ, और किनकी गलती है, क्या कारण है जो नहीं चलने दिया जा रहा है, इसका खुलासा हम वहां पर पहुंच कर करेंगे जब BPRO पहुंचेंगे उस जगह पर।